हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्टूडियो। सो गैस, आज की इस वीडियो में मैं इस गणेश मूर्ति को कलर करके दिखाऊंगा। तो गैस, पिछले एक वीडियो में मैंने इस गणेश मूर्ति को मिट्टी से कैसे बनाते हैं वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाया था। तो आज की इस वीडियो में इसी मूर्ति को कैसे कलर करते हैं वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। तो गैस, ये देखिए, ये है वो कलर जिस कलर से आज ये गणेश मूर्ति में पेंट करूँगा। तो गैस, ये है फैब्रिक का एक्रेलिक कलर। तो गैस, ये जो कलर है और ये जो ब्रश मैं यूज़ करूँगा, या दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रखा है। आप अगर चाहे तो ये ब्रश और ये कलर आप ऑनलाइन से अमेजोन से खरीद सकते हैं, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो गैस, पिछली एक वीडियो में मैंने इस गणेश मूर्ति को मिट्टी से कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस मैंने आपको दिखाया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे रखा है, और एंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, फुल वीडियो का लिंक, जहाँ पर मैंने दिखा कि किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप मिट्टी का ये गणेश मूर्ति बना सकते हैं। तो ये वीडियो खत्म होने के बाद आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो। तो गैस, उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोगों ने उस वीडियो में 2000 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो मैं उस गणेश मूर्ति को कलर करके दिखाऊंगा। लेकिन आप लोग उस वीडियो में करीब 4000 लाइक्स कर दिए है, तो इसीलिए आज मैं आपको यही गणेश मूर्ति कलर करके दिखाऊंगा। तो गैस, कुछ इस तरह से मैं आज की इस वीडियो में लाइक का टारगेट रखता हूँ सिर्फ 4000 लाइक्स, ठीक है। मतलब जितना लाइक आप लोग उस वीडियो में किए हैं उतना ही लाइक आप लोगों को सिर्फ इस वीडियो में करना होगा। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और इस वीडियो में 4000 लाइक्स कंप्लीट कर दीजिए। मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही जल्दी कंप्लीट कर दोगे, तो इसलिए प्लीज़ कंप्लीट कर दीजिए। एंड कंप्लीट हो भी गया है तब भी एक लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में एक कमेंट कर दीजिएगा, अगर आपको कोई भी कमेंट करने का नहीं है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि एक रेड हार्ट कमेंट कर दीजिएगा, ओके। तो गाइस देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप इस मूर्ति को पेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने दे दिया था व्हाइट कलर, फुल बॉडी में मैंने व्हाइट कलर, जैसे कि प्राइमर कलर होता है उस टाइप का, मैंने इधर व्हाइट कलर दे दिया था। उसके बाद पीछे जो मोर का पंख है, उसी पंख पे मैंने जो डीप ब्लू कलर होता है, जैसे कि पर्शियन ब्लू कलर, वो कलर मैंने दे दिया था। बाद में जब उस पंख को जो ग्रीन कलर है और येलो कलर है उससे जब मैं हाईलाइट करूँगा तब वो पंख दिखने में बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अभी तो मैंने जो प्राइमरी कलर है, जैसे कि डीप ब्लू कलर, उसको मैंने दे दिया है, तो बाद में इसको हाईलाइट करूँगा। तो अभी देखिए, अभी मैं गणेश का जो स्किन कलर है वही स्किन कलर दे रहा हूँ। तो गाइस, ये जो स्किन कलर है ना, ये मैंने कैसे बनाया पता है? ये मैंने व्हाइट कलर के साथ थोड़ा सा पिंक कलर और थोड़ा सा येलो कलर मिला दिया था, तो उससे देखिए ये स्किन कलर बन गया है। तो गाइस, अभी देखिए, स्किन कलर देने के बाद अभी आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो है गणेश का जो धोती है उस धोती का कलर करना है। तो देखिए, इधर मैंने जो पिंक कलर है, पिंक कलर से गणेश का जो धोती है उसको मैं बना रहा हूँ। तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले मैंने दे दिया था व्हाइट कलर, क्योंकि व्हाइट है एक तरह का प्राइमरी कलर, तो इसीलिए मैंने व्हाइट कलर दिया था। उसके बाद जो मोर का पंख है, पंख पे मैंने दिया था ब्लू कलर, पर्शियन ब्लू। और उसके बाद गणेश का जो धोती है, धोती में मैंने दिया था पिंक कलर। और उसके बाद देखिए, गणेश का जो बाल है, बाल में मैंने दिया था ब्लैक कलर, ओके। तो अभी देखिए, ये जो मोर है, मोर के जो बॉडी है, मोर के बॉडी में भी दे रहा हूँ पर्शियन ब्लू कलर, क्योंकि मोर का जो बेसिक कलर है वो ब्लू ही है। बाद में आपको ग्रीन, लाइट ब्लू, इस तरह का जो कलर है उससे आपको ये जो पीकॉक है इसको हाईलाइट करना होगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि मोर का जो पंख है, पंख पर मैं जो बेसिक कलर है, जैसे कि पर्शियन ब्लू कलर, उसको मैंने दे दिया था। तो अभी देखिए, ये जो कर रहा हूँ ना, ये मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ मोर का जो पंख है पिंक कलर से, और जो स्काई ब्लू कलर है उसी कलर से मोर का पंख मैंने बना दिया है। अभी इसके बाद सिर्फ ग्रीन कलर से, ठीक है, लाइट ग्रीन कलर से हल्का सा टच कर दूंगा, तो उसके बाद देखिए हमारा जो मोर का पंख है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। तो ये देखिए, अभी मैं इसको ना शेडिंग कर रहा हूँ, गणेश का जो बॉडी है। शेडिंग कैसे कर रहा हूँ, जो रेड कलर है उसको मैंने बहुत ही हल्का करके पानी से, मतलब हल्का कर लिया, और उसी कलर से मैं शेडिंग कर दिया। तो अभी ये देखिए, इसको कहते हैं हल्का सा टच देना, ठीक है, क्योंकि जो लाइट ग्रीन कलर है उस लाइट ग्रीन कलर को मैंने ब्रश में ले लिया और हल्का सा जस्ट टच दे रहा हूँ। क्योंकि अगर आप अभी ब्रश में ज़्यादा प्रेशर देंगे ना, तो ये जो मोर का जो पंख है, पंख के अंदर जो डीप जगह है वहाँ पर भी आपको ये कलर भर जाएगा लाइट कलर, तो आपका जो मोर का जो पंख है वो दिखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, जस्ट हल्का सा आपको टच देना है, ताकि ऐसा लगे कि हाँ, डीप जगह पे थोड़ा डार्क कलर है और बाकी जगह पे लाइट ग्रीन कलर। तो देखिए, उसके बाद जो मोर का जो पंख है वो कंप्लीट हो गया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में मोर का पंख, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से ही मैंने ये जो मोर का जो बॉडी है, यानी कि गला है,
गला को मैंने लाइट ब्लू कलर से यानी कि स्काई ब्लू कलर से मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, और सेम वैसे ही लाइट जो पिंक कलर है, मतलब पिंक कलर के साथ थोड़ा सा मैंने व्हाइट कलर मिला दिया, तो उसी कलर से देखिए गणेश का जो धोती है उसको ही मैंने हाईलाइट कर दिया। तो उसके बाद देखिए गणेश के पास जो चूहा होता है, ठीक है, चूहा रैट, उस रैट को देखिए मैं कलर कर रहा हूँ ऐश कलर से। तो अभी आप लोग शायद ये जानते ही होंगे कि ऐश कलर कैसे रेडी करते हैं, मतलब व्हाइट कलर के साथ थोड़ा सा आपको ब्लैक कलर में आना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा ऐश कलर। ओके, तो चूहा मैंने कलर कर दिया बेसिक कलर, बाद में उसको थोड़ा सा आँखें पेंट कर दूँगा तो हो जाएगा। तो आप तो गणेश का जो बेसिक कलर है जैसे कि बहुत ही बड़ा बड़ा कलर, स्किन कलर, गणेश का धोती का कलर, ठीक है, हेयर का कलर, पीको का कलर, सब कुछ हो गया है। तो देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जो फेस है फेस को पेंट कर रहा हूँ, यानी कि आँख को पेंट कर रहा हूँ, आँख के ऊपर जो फेस है, फेस का जो डिज़ाइन है वो सब मैं पेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो गैस वैसे तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पेंट कर रहा हूँ, मतलब उतना ज़्यादा डिटेल्ड और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैं प्रोसेसर पर आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए है, इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। मैं बहुत ही सिंपल तरह से गणेश का फेस पेंट कर दिया है। ओके, तो गणेश का फेस पेंट करने के बाद देखिए गणेश का नीचे का जो प्लेटफॉर्म है उसको मैं पेंट कर रहा हूँ, तो उसको पेंट कर रहा हूँ ब्लू कलर से, और ये फैब्रिक कलर नहीं है, ये नॉर्मल सा एशियन पेंट्स का कलर है, ठीक है। तो नीचे का प्लेटफॉर्म पेंट करने के बाद गणेश का जो ज्वेलरी है वहाँ पर मैं दे दूँगा गोल्डन कलर। तो देखिए ये है गोल्डन कलर, मैंने थोड़ा सा गोल्डन कलर ले लिया है, और जितना भी ज्वेलरी है वहाँ पर मैं ये गोल्डन कलर दे दूँगा। तो गोल्डन कलर देने के बाद ही देखिए हमारा जो पूरा मूर्ति है वो कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, 5 या 6 स्टेप्स में भी पूरा ये जो मूर्ति है मैंने कलर करना कंप्लीट कर दिया है। तो गैस मुझे उम्मीद है कि जो लोग बिगिनर्स हैं उनको ये पूरा स्टेप्स अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आए तो वीडियो दोबारा से पूरा देखिए, बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, बहुत ही ईजी है, आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो मैंने 4000 लाइक का टारगेट रखा है उसको ज़रूर कंप्लीट कर दीजिए। और गैस अगर आप मेरा ब्लॉग देखना चाहते हो तो मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाके जो मेरा ब्लॉग चैनल है उसको ज़रूर फॉलो कर सकते हो। और हाँ, आज की ये वीडियो कैसा लगा ये आप लोग एक कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको कोई भी कमेंट करने का नहीं है तो प्लीज़ एक रेड हार्ट कमेंट कर देना, मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आज के लिए ये वीडियो इतना ही, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।